सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू वाच एस्पेक्ट रीजन। तो कैसे हमारे बिहार पैरामेडिकल 2024 के सभी स्टूडेंट, आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 के काउंसलिंग डेट के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत लंबे दिनों से आप लोग सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पैरामेडिकल का काउंसलिंग डेट कब आएगी। हमने ईमेल कैंपेन भी किया बीच में, आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी उसमें देखने को मिला, और फाइनली जो है आज खुशखबरी निकल के आई है सभी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और ये खुशखबरी बहुत बड़ा होने जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि आप लोग सभी बच्चे आज खुश भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली अब जो है आप लोग के काउंसलिंग पे कहिए कि एग्जैक्ट अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग योर काउंसलिंग डेट। सो DCC पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल और PMM पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल दोनों के बच्चों के लिए खुशखबरी है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पैरामेडिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मस्त से मस्त ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। आगे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, उसमें एस्पेक्ट विजन तरह तरह से आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कौन से ANM के डालने हैं, कौन से GNM के डालने हैं, कौन से लैपटेक के डालने हैं, साथ ही साथ कम आपका रैंक अगर ज्यादा है तो किस प्रकार से काउंसलिंग करें तो आपको कॉलेज मिल जाए। इस प्रकार से बहुत तरह के हेल्प हैं जो मैं आपको करने जा रहा हूं, और एस्पेक्ट विजन आपको काउंसलिंग के टाइम में करेगी। तो इसके लिए सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे काउंसलिंग डेट के ऊपर। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले हमने ईमेल कैंपेन कराया था, नियरली जो है जहां तक मुझे रिपोर्ट आया कि 800-900 बच्चे ने पूरा, हालांकि पूरी तरीके से सपोर्ट तो आप लोग का नहीं मिला, बट स्टिल 800-900 बच्चे ने ईमेल किया। ठीक है, और उस ईमेल से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, उस ईमेल से भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और हमारे BCC के बच्चों ने भी मेल किया था। तो जब दोनों ईमेल, वो लोग तो लगभग 1200-1300-1400 ईमेल कर दिए थे, तो 2000-2500 ईमेल जब बोर्ड के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगी। ठीक है, तो अभी तक का जो करंट अपडेट निकल के आ रहा है बाबू बिहार पैरामेडिकल के काउंसलिंग के ऊपर, आप लोग साइट पे देख सकते हैं, कोई भी नोटिस नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं बट आपको बता दे रहा हूं, ये कंफर्म है कि आप लोग का काउंसलिंग नोटिस आप लोग का अभी ही आने वाला था। ठीक है, आपका काउंसलिंग नोटिस 8 या 9 को आने वाला था, ये न्यूज निकल के आई थी, बट क्योंकि दुर्गा पूजा है, अब जो है आपकी बोर्ड भी बंद हो जाएगी आज से कल तक में, और अभी काउंसलिंग कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फाइनल अपडेट निकल के आया है कि आपकी काउंसलिंग नोटिस जो है 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगी। 15 अक्टूबर से पहले आपकी काउंसलिंग नोटिस आ जाएगी। जी हां, आज आप लोग एकदम चैन की नींद लीजिए, और चैन से कहिए कि आज जो होता है ना, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आपको अपने अंदर मिल रहा होगा। फाइनली जो है आप लोग का 15 अक्टूबर से पहले काउंसलिंग नोटिस आ जानी है, यानी कि कहिए कि 12 तारीख को हमारा दुर्गा पूजा खत्म होगा, 13, 14, 15 ये 3 दिनों में से किसी भी दिन आपका काउंसलिंग नोटिस आएगा। और एक बात मेरी और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि जैसे ही काउंसलिंग नोटिस आएगी तुरंत आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत, समय नहीं मिलेगा आपको, आपको टाइम नहीं मिलने जा रहा है कि आज नोटिस आया है 5 दिन बाद काउंसलिंग होगा, नहीं, एट अ टाइम तुरंत नोटिस आएगा, तुरंत उसके अगले दिन कहिए या उसके अगले 1 दिन बाद, 2 दिन का गैप कहिए, मान लेते हैं 15 को नोटिस आया तो 17 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 13 को नोटिस आया तो 15 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1 दिन का मे भी हो सकता है गैप मिले, बाकी नोटिस आएगा तुरंत उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा आप लोग का, और सीट मैट्रिक्स आने के बाद तुरंत से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार नोटिस आएगा तो फिर आपके कॉलेज जाने में भी ज्यादा डिले नहीं होगा। रीजन ये है कि बाबू आपका काउंसलिंग शेड्यूल जब आता है तो उसमें सभी चीजें रहती हैं। ठीक है, उसमें आपका अलॉटमेंट डेट रहता है, एडमिशन डेट रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट रहता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों का। तो मान लेते हैं कि आपका अगर 13 से 15 के बीच में नोटिस आता है तो ये आप कंफर्म रहिए कि आपका दिवाली से पहले फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड एडमिशन भी हो जाएगा, अगर ये सही समय पे हो जाए, और ये 99% श्योर है कि ये सही समय पे होने जा रहा है, और 15 अक्टूबर से पहले आपकी नोटिस आने जा रही है, और नोटिस आया तो आप
ये 100% श्योर रख सकते हैं कि दिवाली से पहले आप लोग जो है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आ जाएगा और जिन भी बच्चों को कॉलेज मिलेगी वो लोग अपना कॉलेज जाके एडमिशन करा लेंगे, फर्स्ट राउंड एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो जो भी बच्चे का रैंक अच्छा था अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, जो भी बच्चे का रैंक अच्छा था अपना डॉक्यूमेंट आप लोग सभी बच्चे रेडी कर लीजिए और तैयार हो जाइए। फाइनली लंबा इंतजार जो है ना आपका ना, आज से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार इंतजार पे इंतजार हो रहा है कि सर कोई अपडेट ही नहीं आ रहा, सर कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। तो फाइनली आपका अपडेट आ चुका है, काउंसलिंग नोटिस में अब आपका ज्यादा विलंब नहीं होने जा रहा है। तो अपना ड्रीम कॉलेज जाने के लिए आप लोग सभी बच्चे एकदम तैयार रहिए, पैरामेडिकल के सभी स्टूडेंट तैयार रहिए। और पहले तो अभी आपके फेस्टिवल है तो सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो आप लोग सभी बच्चे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर लीजिए और जैसे फेस्टिवल खत्म होगा उसके बाद अगेन जो है साइट पे नजर रखिएगा आप लोग अच्छे से। जैसे आपका नोटिस आएगा यहां पर आपका पब्लिश हो जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग च्वाइस फिलिंग एंड काउंसलिंग ऑफ डीसीसी पीएम एंड पीएमएम। तो तैयार रहिए सभी बच्चे, पहले फेस्टिवल एंजॉय कर लीजिए और उसके बाद फिर जो है आप लोगों को काउंसलिंग के लिए इंतजार करना है। नोटिस आएगा और आप लोगों का काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज पहुंचेंगे। तो खुश हैं आप लोग कि नहीं है इस न्यूज से, ये बताइए कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिए कि कैसा लग रहा है आज, खुश हैं कि नहीं है, ये न्यूज सुन के आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग भर भर के कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी करने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ एक खुशखबरी मैं और दे देता हूं कि आप लोग का बिहार पारा मेडिकल का 2025 बैच, हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच होता है जो हमारा 25 के लिए डीसीसी पीएम और पीएमएम, ये लॉन्च बहुत जल्द होने जा रहा है। कहिए कि जैसे ही आपका काउंसलिंग नोटिस आएगी वैसे ही हमारा बैच भी लॉन्च हो जाएगा, यानी कि हमारी पूरी तैयारी जोरों शोर से है। हम लोग छुट्टी में भी काम कर रहे हैं, बुआ अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी है बट हम लोग के लिए छुट्टी नहीं है, ठीक है। जैसे ही खत्म होगा आपका दुर्गा पूजा हम लोग इस बैच को लॉन्च करेंगे। तो जो भी बच्चे, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त यार हो, चाहे आप खुद हो, 25 के लिए तैयारी करना चाहते और ऐसा वैसा तैयारी नहीं, एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कि भैया सिलेक्शन निकालना है, ये मोटो है आपका कि आपको सिलेक्शन निकालना है, तो तैयार रहिए। जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा लगभग रखिए कि 14 15 16 के आसपास हम लोग इस बैच को लॉन्च करेंगे और धमाकेदार बैच रहेगा। इसमें जो पढ़ाई होने जा रही है आपकी अप द लेवल होने जा रही है और बिहार में ऐसा बैच कोई नहीं चला रहा होगा और बिहार में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। इस लेवल पर हम लोग बैच लाने वाले हैं, वो भी बहुत लोएस्ट प्राइस में, क्योंकि आपको ही मालूम है जब भी कोई बैच लॉन्च होता है हमारा तो साथ में आता है, क्या आता है, साथ में आता है लॉन्चिंग ऑफर। उस लॉन्चिंग ऑफर का आप फायदा उठाइएगा तो इस बैच में आप बहुत ही मिनिमम फी में ज्वाइन कर पाइएगा और वो सभी फैसिलिटी का लाभ ले पाइएगा जो कि हम लोग इस बार आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिहार पैरामेडिकल 2024 के सभी स्टूडेंट, आज तो आपको कहिए कि दो दो खुशखबरी दे दिए, एक काउंसलिंग डेट के ऊपर भी खुशखबरी मिल गया आपको कि एग्जैक्ट आपको डेट मिल गया कितना तारीख तक आपका डेट आ जाएगा, और दूसरा जो है हमारी बैच भी लॉन्च होने जा रही है। तो सभी बच्चे एकदम खुश रहे, अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, सभी को फिर से नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप खुश हैं कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टू हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।